दोस्तों हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द नाइन मैन ईटर्स एंड वन रोग। उसकी आखिरी कहानी है द टाइगर्स ऑफ टगार्थी। इसमें एंडरसन बताते हैं कि अगर आप वेस्टर्न सीमाओं की ओर जाओगे शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि स्टेट ऑफ मैसूर में है, तो आप डिफरेंस देख पाओगे, जो नज़ारों का जो डिफरेंस है जो बैंगलोर के अराउंड और जो ईस्टर्न पार्ट में जो नज़ारे हैं स्टेट ऑफ मैसूर में, उससे एकदम डिफरेंट नज़ारे हैं वेस्टर्न पार्ट में। यहाँ के जंगल सदाबहार जंगल है, एवर ग्रीन फॉरेस्ट। यहाँ पे लगातार मॉनसून रेन्स होती है तो पानी की कोई कमी नहीं है। यहाँ पे पूरे एरिया में 120 इंच से ज्यादा एनुअल रेनफॉल होता है। आगुम्बे नाम का गांव में तो 250 इंचेस तक रेनफॉल होता है। तो जो रेनफॉल ये बता रहे हैं काफी अच्छा रेनफॉल है 250 इंचेस, क्योंकि जो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश होती है मासिनराम, जो चेरापूंजी के पास में है, वहां पे 470 के आसपास इंचेस के आसपास बारिश होती है। तो मतलब उसकी आधी बारिश यहाँ पे भी होती है। आगुम्बे एकदम एक्सट्रीम लिमिट है जो मैसूर राज्य की, वहां पे बसा हुआ है। अब यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं कि वो लगता है कि आसमान पे ही जा रहे हैं। पेड़ पे फर्न लगे होते हैं, जहां भी आप देखोगे बारिश ज्यादा होती है वहां पेड़ों पे ग्रीन ग्रीन फर्न लगे होते हैं, और जहां पे शेड कम आता है, अगर धूप नहीं आएगी तो फर्न तो हर पेड़ पे मिलेगा ही। काई से लेके ग्रीन अलग अलग डिफरेंट वेराइटी ऑफ फर्न होते हैं, तो वो लगे होंगे। जगह जगह छोटी छोटी वाटर स्ट्रीम बह रही होंगी, बड़ा सुंदर नजारा है। अब यहाँ पे कटीली झाड़ियां नहीं मिलेंगी आपको, और कटीली झाड़ियां दोस्तों वहां मिलती हैं जहां पे पानी कम होता है। अगर आप रेगिस्तान में देखोगे तो नागफनी और कैक्टस आपको बहुत मिलेंगे, क्योंकि वो कांटे नहीं होते, उनकी पत्तियां ही होती है। ये कहानी का पार्ट नहीं है, याद आ गया बोल रहा हूँ। कई लोग पसंद करते हैं कि मैं थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ। तो जो कैक्टस आपने रेगिस्तान में देखे होंगे, उसमें जो कांटे होते हैं वो एक्चुअली पत्तियां होती हैं, मॉडिफाइड हो जाती हैं पानी बचाने के लिए, कि पानी वेपोरेट ना हो, अंदर ही बना रहे। तो वो बाकी पार्ट आपको दिख रहा है उसका स्टेम है, पत्तियां कांटे में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ तो पानी भरा पड़ा है, कांटों की क्या जरूरत। तो यहाँ पे वो कांटेदार झाड़ियां नहीं है, ऐसा लिख रहे हैं केनेथ एंडरसन। बोले यहाँ जंगल में वॉक करना बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कोई ट्रेल नहीं मिलेगा आपको। ट्रेल मतलब वो पगडंडी नहीं मिलेगी, कहाँ से मिलेगी जब जहां पे पानी इतना ज्यादा गिर रहा है, जहां देखो वहां नीचे से झाड़ी उगाएगी। झाड़ी मतलब कुछ बेल वगैरह, घास वगैरह, तो आपको रास्ता सूझेगा ही नहीं, घास बड़ी बड़ी हो जाएगी। तो जहां देखो तहां वेजिटेशन है, रास्ते नहीं मिलेंगे। अब इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं कि वहां सूरज की रोशनी ही नीचे तक नहीं पहुंचती, सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, अंधेरा रहता है। अब यहां पे आप झींगुर की आवाज सुनेंगे, बड़े बड़े मेंढकों की आवाज सुनेंगे, झोंक इंतजार में पेड़ की पत्तियों से चिपकी रहती है कि कोई हिलती डुलती जिंदा चीज मिले और वो पत्ती छोड़ के उससे चिपक जाए। अब वो आपकी बॉडी में चिपकेंगी, आपके कपड़ों में से भी अपनी सूंड घुसा देंगी जो उनकी होती है, और वो आपका खून चूस देंगी झोंक, और आपको पता भी नहीं चलेगा। ये फैक्ट है, जब झोंक हमारी बॉडी में चिपक जाती है, क्योंकि मैं ट्रैकिंग अक्सर करता रहता हूँ, पता ही नहीं चलता। उसकी सलाइवा में ऐसा कुछ होता है जो सुन्न कर देता है उस जगह को, तो जहां झोंक चिपकती है आपको मालूम ही नहीं पड़ता। जब आपकी निगाह जाती है, हल्का हल्का खून बह रहा है पैर में, तो अक्सर ही ऐसा होता है कि जब देखो तब अंगूठे के पास में चिपकी हुई है, आप निकालोगे तो टूट जाती है झोंक। झोंक निकालने का बेस्ट तरीका होता है कि आप उसमें नमक डाल दो। ट्रैकिंग के टाइम पे नमकदानी एक लेके चलना पड़ता है हमें जंगल में, अगर बारिश का सीजन है। वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक था, ये सब मैं लेके गया था, लेकिन वहां जूते पहने थे तो पैरों में नहीं चिपक रही थी। और वैली ऑफ फ्लावर के बारे में मैंने पढ़ा था कि दिक्कत है, लेकिन इतनी है नहीं, क्योंकि वहां पूरा वेल गाइडेड पत्थर का रूट बना है पूरे वैली के अंदर तक, वहां इतनी प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम आती है चोपता में, ये सब बुक का पार्ट नहीं है, अलग से बता रहा हूँ। चोपता में तो अगर आपने तुंगनाथ के ट्रैक पे गए हो बारिश के सीजन में, जब तक तुंगनाथ है तब तक तो पूरा सीमेंटेड बना है। जैसे ही चंद्रशिला ट्रैक पे आप जाओगे, जैसे ही आपने पगडंडी छोड़ी घास में चले, आप देखो आपके पैर में चार झोंक चिपकी होंगी, और वो चढ़ के जूते चढ़ के भी चिपक जाती है। नमकदानी से ऐसे नमक छिड़को, छोड़ देती है। कई लोग बोलते हैं ट्रीटमेंट होता है कि झोंक को चिपकवाना, वो खराब खून सूखती है, तो कई लोग झोंक चिपकवाते हैं अपनी बॉडी में कि वो खराब खून को सोख लेंगी। अब वापस कहानी पे आ जाते हैं। ये बात एंडरसन ने भी लिखी है कि आप नमक कैरी करो या तंबाकू कैरी करो, क्योंकि आप ऐसे खींच के निकालोगे तो वहां घाव बन जाएगा, बाद में वो घाव में दिक्कत होगी। उससे अच्छा आप नमक छिड़क दो या तंबाकू का जूस डाल दो, वो सिकुड़ के अपने आप छोड़ के भाग जाएगी, और ऐसे करने पर जो घाव बनेगा वो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि घाव बनता ही नहीं है, खींच के निकालने में घाव बन जाता है। और ये जंगल घर है किंग कोबरा का, जिसका जूलॉजिकल नेम होता है नाजा हन्ना। ये कोबरा फैमिली का बहुत बड़ा सांप होता है जो करीब 15 फीट तक लंबा हो सकता है। ऑलिव ग्रीन कलर की इसकी बॉडी होती है और इस पर येलो कलर के सर्कल्स होते हैं। ये किंग कोबरा सांप दूसरे सांपों को खा के अपना गुजारा करता है,
और बड़ा एग्रेसिव होता है, देखते ही दौड़ के अटैक करता है और काफी तेज दौड़ता है। और अगर वो फीमेल है, अपने बच्चों को गार्ड कर रही है, तो वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है। एंडरसन बता रहे हैं उनका 2 बार किंग कोबरा से मुकाबला हुआ है उसी के इलाके में। एक बार तब वो लाल और हरी मछलियां पकड़ रहे थे एक्वेरियम के लिए अगुम्बे के पास में, जहां बहुत ज्यादा बारिश होती है। और दूसरी बात, जब ये कुछ ऑर्चिड्स इकट्ठे कर रहे थे तब हुआ, लेकिन दोनों ही बार किंग कोबरा ने इनके ऊपर अटैक नहीं किया। अपना 4 फीट तक हुड उठाया, इनकी ओर देखते रहे और उसके बाद साइड में सरक के चले गए। जो काफी लंबे ऊंचे पेड़ हैं उनका जो टॉप है, वहां पे बहुत सुंदर ऑर्चिड्स मिलते हैं। गर्मियों में पिंक, येलो, व्हाइट कलर के ऑर्चिड्स बहुत ही सुंदर लगते हैं। इस जिले में शेरावती रिवर बहती है, जो कि 4 स्ट्रीम्स में अपना पानी बहाती है। एक 950 फीट का वाटरफॉल भी आता है, जिसको कि जोग बोलते हैं या फिर गरसोप्पा बोलते हैं। यहाँ पे अगर आपको चांदनी रात में रेनबो देखना है, ये बहुत बढ़िया जगह है। एक छोटा सा टाउन है सागर, एक सागर मध्य प्रदेश में भी है तो काफी बड़ा टाउन है। यहाँ एक छोटा सा टाउन है सागर, जिससे 11 मील की दूरी पर है छोटा सा गांव टगारथी। क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ खेती करना बड़ा फायदे का सौदा है और बहुत अच्छी इनकम होती है खेती से। यहाँ चारागाह भी बड़े अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ के पशु और आसपास के गांव के पशु यहाँ आके घास चरते हैं। और पशुपालन भी इससे बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि जानवर दूध बहुत अच्छा देते हैं। बहुत ज्यादा जानवर नहीं है जंगली, यहाँ पे बायसन है, गौर और कुछ दूसरे जानवर भी हैं। जानवर यहाँ नहीं होने का रीजन है लीचेस, क्योंकि लीचेस उनकी बॉडी में चिपक जाती है, फालतू में इनका खून पीती है, जानवर इससे अवॉइड करते हैं। लेकिन कार्निवोरस जानवर यहाँ पे हैं, क्योंकि उनको जंगली जानवर तो मिलते ही हैं, लेकिन जो चारागाह में पालतू पशु है वो आसान शिकार हैं, अच्छा खासा उनमें फैट है और दूसरी बात आसानी से मिल जाते हैं। इस एरिया में 4 टाइगर्स ने अपना निवास बना लिया था। फरवरी 1939 में एक बार ऐसा हुआ कि 8 अलग अलग जगहों पर 8 अलग अलग जानवर मारे गए, तो ये लगा कि इस इलाके में 4 नहीं 8 टाइगर काम कर रहे हैं। अब क्योंकि इस छोटे से इलाके में बहुत सारे टाइगर थे, इसलिए लेपर्ड ज्यादा यहाँ दिखते नहीं थे, क्योंकि उनका जब देखो तब टाइगर से मुकाबला होता था, तो वो सड़क के गांव के पास चले गए थे। गांव में कुत्ते, बकरी और कभी कभी जंगली मुर्गों पर वो जिंदा थे, क्योंकि टाइगर लेपर्ड को अपने इलाके में बर्दाश्त नहीं करता है। अगर लेपर्ड जरा सा भी चूक गया पेड़ पे चढ़ने में और टाइगर की स्ट्राइकिंग रेंज में है, टाइगर उसको मार ही डालेगा और कई बार मारने के बाद खाता भी है। डियर के नाम पे यहाँ पे स्पॉटेड डियर है, दूसरे कोई डियर नहीं है। और यहाँ के टाइगर्स ज्यादातर कैटल लिफ्टर हैं, और ज्यादातर टाइगर अच्छे मोटे हट्टे कट्टे हो गए, क्योंकि वह जानवर खाते हैं भैंस गाय, उनमें अच्छा खासा फैट होता है। अब मैं आपको कहानी सुनाता हूँ श्याम राव बापट की, जो कि टगारथी के थे, जिन्होंने अपने बगीचे में टाइगर मारा था अपने घर के बिल्कुल नजदीक। श्याम राव उस टाइम पे लड़के ही थे, करीब 22 साल की उनकी उम्र थी, लेकिन वो अकेले वारिस थे उस पूरी संपत्ति के, बड़े ही अच्छे तरीके से उसको संभालते थे और एग्रीकल्चर में भी उनका बहुत इंटरेस्ट था। निचले इलाकों में चावल उगाया जाता था और ऊंचे इलाकों में रागी उगाई जाती थी। उनके पास सुपाड़ी और नारियल के भी पेड़ थे, बगीचे थे। अगर आपने सुपाड़ी का पेड़ देखा होगा, नहीं देखा होगा, सुना होगा, साउथ में मिलते हैं, केरला वगैरह में, तो अगर आप पैकेज टूर लोगे तो उसका पार्ट होता है स्पाइस गार्डन विजिट करने का। इलायची से लेकर दुनिया भर के लौंग वगैरह के पेड़ होते हैं, और सुपाड़ी के पेड़ बड़े लंबे लंबे पतले पतले होते हैं, और जब सुपाड़ी तोड़नी होती तो आदमी बड़ा सावधानी पूर्वक उसमें चढ़ जाता है और वहां से सुपाड़ी तोड़ तोड़ के फेंकता है। मुन्नार में भी है, थेक्कड़ी में भी, केरला में अगर आप जाओगे, ये केरला की कहानी नहीं है लेकिन मैंने जहां विजिट किया है वो बता रहा हूँ, तो उसमें एलिफेंट सफारी भी कराते हैं गार्डन के अंदर ही। थेक्कड़ी में आप, उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए हैं, उन्हीं सुपारी के पेड़ों के बीच से आप हाथी चलता जाता है और आपको चक्कर घुमा के लगे आता है। और श्याम राव के पास बहुत सारे पशु भी थे, कुल मिला के वो बहुत ही अमीर जमींदार थे। अब एक दिन एक टाइगर का मन हो गया कि इनकी प्रॉपर्टी में मैं भी हिस्सा बटाऊं। उसने श्याम राव के जो पशु थे, जो उनके झुंड थे, उन पे एक के बाद एक अटैक करना शुरू किया। श्याम राव के पास केवल एक बंदूक थी, स्मूथ बोर गन, दूसरी कोई बंदूक नहीं थी। अब उन्होंने छर्रा डाल के उसको लोड कर लिया और इंतजार करने लगे टाइगर के आने का। लेकिन ये टाइगर भी मंजा हुआ खिलाड़ी था। मंजा हुआ खिलाड़ी क्या था, दूध का जला हुआ था, छाछ भी फूंक फूंक के पीता था। उसके ऊपर एक बार गोली चल चुकी थी, तो उसको पता था कि जब शिकार पर वापस जाओ तो आदमी गोली मार देता है, तो वो शिकार को एक बार खाता था, उसके बाद उस पर आता ही नहीं था। मतलब उसका फंडा था, ढूंढ सको तो ढूंढो, मतलब तुम्हें कैसे मालूम चलेगा मैं अगला शिकार कहाँ पे करूंगा। तो इस तरह से बचा रहता था कि उसकी मर्जी वहां वो शिकार करता था, आदमी बंदूक लेके बैठेगा कि तुम आओगे, वो आता ही नहीं था। अब एक दिन टाइगर ने दुस्साहस किया, वो श्याम राव के जो उनका बंगला था उसकी दीवार फांद के गार्डन में घुस गया और एक बांस का जो लगा था पशुओं के बाड़े की तरफ, जो बांस का आड़ लगी थी,
उसको हटाने की कोशिश की। अब पशुओं की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुन के श्याम राव की नींद टूट गई। जब वो बाहर निकले तो उनको कुछ हिलती डुलती आकृति दिखी। बाहर जाके देखा तो टाइगर था, वो भी थक चुका था उस बांस को हटाने के चक्कर में। अगले दिन श्याम राव ने क्या किया कि जो उनकी कैटल शेड था उसकी छत पे, जो कि करीब 6 फुट की हाइट थी, उस पर बहुत सारे लकड़ियां कटवा कटवा के लगवा दी। उनके बीच में पेट के बल पे लेट गए, मतलब जो जिस दरवाजे को टाइगर तोड़ने की कोशिश कर रहा था उस पर 6 फुट ऊपर ही पेट के बल लेटे थे, मतलब फेस टाइगर की तरफ था। रात को टाइगर आया, जैसे ही उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, बंदूक निकाल के पॉइंट ब्लैंक रेंज से, 6 फुट ऊपर है जमीन से 3-4 फिट तो टाइगर भी खड़ा है, 2-3 फिट का फासला है, मतलब बिल्कुल नाल समझ लीजिए, सटा के गोली मारी। जैसे गोली मारी ऑन द स्पॉट टाइगर मर गया। अब एंडरसन बोलते हैं सीन चेंज, मतलब इस कहानी से हटिए, अब उनके फॉरेस्ट बंगलों पे आइए। अब दोपहर के 11:30 बजे हैं, बहुत अच्छा सूरज चमक रहा है इनके फॉरेस्ट बंगलों में, जो कि है 2.5 मील दूर टगारथी से। अब इनकी वाइफ तैयार हो रही थी, उसी टाइम पे फॉरेस्ट बंगलों के एकदम बगल में काकड़ ने कॉल करी, यानी बार्किंग डियर ने। अब इन्होंने जल्दी से रबड़ के जूते डाले, राइफल उठाई, दीवार फांदी और जंगल के अंदर घुस गए। अब जल्दी जल्दी आगे गए तो एक ऐसी जगह पहुंच गए, अच्छा वो कांकड़ लगातार कॉल कर रहा था, कि जिनको सामने वो कांकड़ नजर आने लगा जो इन्हीं की तरफ फेस किया हुआ था और लगातार बोल रहा था। अब जो सामने थे वो सागौन के पेड़ थे, यानी टीक के पेड़ थे, और टीक के पेड़ की पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, गर्मी के मौसम में गिर जाती है नीचे, तो जब पत्तियां गिर जाती हैं तो बहुत ज्यादा चरमराती है, मतलब अगर टीक के पत्ते कहीं पड़े तो पूरे पत्ते ही पत्ते पीछे होंगे ब्राउन कलर के, आप किसी भी तरह से संभल के नहीं चल सकते, आवाज तो होनी ही है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि मैं टीक के पत्तों को तो क्रॉस नहीं करूंगा, तो वहीं एक बरगद का पेड़ था, उसके तने के पीछे, उसके मोटे तने के पीछे छिपके खड़े हो गए। थोड़ी देर तक तो उनको कुछ नहीं दिखा, उसके बड़े ध्यान से इनको हल्का सा कुछ हिलता हुआ दिखा, और वो था टाइगर, जो कि मजे से सो रहा था, चारों पैर ऊपर थे और आराम से सो रहा था, क्योंकि टीक के पत्तों का कलर और टाइगर कलर एक जैसा ही होता है, सूखे पत्तों का। समय समय पर अपनी पूंछ को हिलाता था, और ये वही मौका था जब उसने पूंछ हिलाई थी, तब इनको पता चला था कि पत्तों के बीच में टाइगर है। अब ये बोले ऐसे सोते हुए जानवर को मारना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि उसने कोई नुकसान नहीं किया, वो तो अपने जंगली जानवर मार रहा है, आराम से सो रहा है। एक सवाल मेरा है, पिछली कहानी में जो गुफा से टाइगर, बायरा वाली स्टोरी में जो टाइगर गुफा से निकल रहा था, उसने किसको मारा था? वो भी तो अपने जंगली जानवरों को ही मारता था। ये करीब 20-25 मिनट तक सोते हुए टाइगर को देखते रहे, तभी इनकी पत्नी की आवाज आई फॉरेस्ट बंगलों से कि लंच तैयार है, आ जाओ। ये तो अलर्ट होते टाइगर भी अलर्ट हो गया, उसको लगा उसकी पत्नी की आवाज आई है, उसने आंखें खोली, उठ के बैठ गया। अब ये धीरे धीरे बैकआउट कर रहे थे और राइफल को रेडी था कहीं टाइगर इन पर अटैक ना कर दे, और टाइगर भी इनकी प्रेजेंस को इनके हिलने से समझ गया था, और वो बोला ये आदमी मेरे इतने पास कैसे आ गया, इतने नजदीक तक। थोड़ा सा साइड में हटा, हल्का सा उसने ग्रॉल किया, और फिर देखा कि ये नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तो धीरे धीरे चलते हुए चला गया। अगले ओकेजन में एंडरसन और उनकी वाइफ ने एक बैलगाड़ी हायर करी थी रात को, ऐसे ही ड्राइव पे निकलने के लिए जंगल में, और इन्होंने अपने साथ टॉर्चेस रख ली थी। ये 1-2 मील चले थे, और आगे जो बैलगाड़ी है वो एक स्ट्रीम को क्रॉस कर रही थी, वहां इनकी वाइफ ने इशारा किया कि देखो टॉर्च की रोशनी में 2 आंखें चमक रही है। अब ये लोग बैलगाड़ी से उतर गए, इनकी वाइफ टॉर्च मारते मारते आगे चलने लगी, पीछे पीछे एंडरसन चल रहे थे, थोड़ा आगे जाने पर आंखें वहां से गायब हो गई। फिर भी ये अंदाजे से कि जो इनको एक अंदाजा था कि आंखें वहां चमकी थी, उस डायरेक्शन में बढ़ते रहे। थोड़ी देर में आंखें फिर से दिखने लगी, अब वो आंखें थोड़ा साइड में हट गई थी और लाल रंग की आंखें थी, नीचे जो घास वगैरह थी या झाड़ियां थी वो ज्यादा नहीं थी, तो इनको रात को आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही थी और इनके पैर नहीं फंस रहे थे। और पास जाके देखा तो वो एक टाइगर था, जब वो एकदम नजदीक आ गया तो जल्दी से झाड़ियों में गायब हो गया। अब उसने ऐसा क्यों किया ये सोच ही रहे थे, तभी पता चला क्योंकि उसके 2 बच्चे बाहर आ गए थे, वो माँ थी और कब्स को बचाने के लिए झाड़ियों में घुस गई थी। अब उसने एक बार इनको घूर के देखा, फिर हल्की सी आवाज की अपने बच्चों के लिए, चलो आओ मेरे पीछे, दोनों बच्चे माँ के पीछे, और वो झाड़ियों में घुस के गायब हो गई। बीच बीच में हल्का गुर्राने की और झाड़ियों की सरसराहट की आवाजें आती रही। इनकी वाइफ ने टॉर्च उसी डायरेक्शन में जलाई हुई थी जहां से जाने की आवाजें आ रही थी, क्योंकि इनको डर था कि ये लाइट बुझाएंगे, अचानक से टाइगर अपना माइंड चेंज करके, टाइगरेस वापस इन पे अटैक ना कर दे। तभी इनको टाइगर की जोर की दहाड़ सुनाई पड़ी, और जब इन्होंने टॉर्च मारी तो देख के दंग रह गए कि एक दूसरा मेल टाइगर खड़ा है करीब करीब उसी जगह पे जहां से अभी अभी टाइगरेस झाड़ियों के अंदर गई थी। तो वो टाइगरेस जो इनको घूर के देख के गई थी, वो यही बोल के गई थी, मैं बच्चों को ले जा रही हूँ सुरक्षित जगह, 2 मिनट वेट करो, मेरे पतिदेव आ रहे हैं। तो अब एंडरसन को लगा एक फैमिली पार्टी के बीच में आ गए हैं, जो कि पानी में अपनी प्यास बुझाने गई। ये टाइगर नहीं, ये तो MBBS है। MBBS का मतलब
मियाँ बीवी बच्चे सहित। ये एक अनयूजुअल साइट थी, क्योंकि इतने बड़े बच्चों के साथ में बाप का रहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माँ ही नहीं बर्दाश्त करती कि बड़े बच्चों के साथ बाप रहे, क्योंकि बाप का कोई भरोसा नहीं होता टाइगर जब बाप है, क्योंकि कहा जाता है कि जब शेरनी बच्चे देती है आधे बच्चे टाइगर खा जाता है, और जब बच्चे बड़े होते तो उनको बाप से ही खतरा होता है, तो शेरनी अलाउ नहीं करती, लेकिन इस शेरनी ने अलाउ किया हुआ था। अब ये बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन थी कि दोनों में से कोई भी अडल्ट इन पर अटैक कर सकता था। इनकी वाइफ बिल्कुल टॉर्च मारते रही बड़े ध्यान से सब्रतापूर्वक, और फिर क्या हुआ कि वो टाइगर अपनी बीवी के पीछे ही चला गया। अब यहाँ एक दूसरी घटना हुई, जिस गाड़ीवान को ये गाड़ी बैल के साथ छोड़ के आए थे, वो उन्होंने दो बार टाइगर की आवाज़ सुन ली थी और बैलों ने भी सुन ली थी, वो भाग दिए। अब वो गाड़ीवान हाँक रहा है, रोक रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है, ये भागे जा रहे हैं। स्ट्रीम में भागे तो रेत में, क्योंकि वो लकड़ी वाले पहिए होते थे तो वो धस गए, आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो मजबूरी में बैलों को रुकना पड़ा। जब उनकी आवाज़ें सुनी तो एंडरसन और उनकी वाइफ भागे, क्या पता बैलों पर टाइगर ने हमला कर दिया। जब यहाँ आके देखा तो मामला समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है, तो उन्होंने राहत की सांस ली कि चलो भाई, ना तो टाइगरों को कोई नुकसान हुआ, ना बैलों को, और ना ही हमें या गाड़ीवान को। अब एंडरसन के एक फ्रेंड थे डॉक्टर स्टैनले, वो मैसूर मेडिकल सर्विसेज में थे और टगार्थी में आके रुके हुए थे, क्योंकि यहाँ पे मलेरिया फैला हुआ था। अब दिन में डॉक्टर साहब मरीजों को ठीक करते थे, रात में उनका अपना शौक जाग जाता था शिकार का, उन्होंने कई टाइगर्स को मारा भी था। रात को उनको एक मैटरनिटी कॉल रिसीव हुई बेलुंदर से, जो कि 6 मील दूर था। अब डॉक्टर साहब अपनी ड्यूटी के लिए एक बैलगाड़ी में बैठ के चल पड़े। अब मेडिसिन का पूरा बैग, जिसमें दवाइयाँ, इंजेक्शन और बैंडेजेस थे, साथ में एक बंदूक थी जो कि गीको ब्रांड की थी, और साथ में एक 5 सेल की जबरदस्त टॉर्च थी, तो वो डॉक्टर और शिकारी का मिश्रण थे। डॉक्टर की ड्यूटी भी उनको निभानी थी, जरूरत पड़ने पर शिकारी भी बन जाना था। अब उनकी बैलगाड़ी जा रही थी तभी एक सामने टाइगर अपीयर हुआ और थोड़ी दूर पर रास्ते में बैठ गया, जैसे कि टाइगर की आदत होती है। इन्होंने अपनी बंदूक निकाली छर्रे वाली, उस पर निशाना लगा के मार दिया। टाइगर जोर से दहाड़ा, उछला और जंगल में गायब हो गया। रात को उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, बच्चे का जन्म हुआ, रात को वहीं रुके। सुबह वो एक गांव का लड़का लेके और अपने बैलगाड़ी वाले के साथ वापस आए, उस जगह पर रुके। अब उनका मन था उतर के देखने का कि टाइगर कहाँ गया, मरा या जिंदा है। अब उनको ब्लड के निशान मिल गए उस जगह पर, और ब्लड ट्रेल मिल गया, ये जंगल में जाने लगे। लेकिन बैलगाड़ी वाला बोला, साहब मुझे क्षमा करिए, क्योंकि अपने बैलों को मैं शेर वाले जंगल में अकेला नहीं छोड़ सकता। अब एक हॉलो सी जगह थी, वहां वो लड़का और डॉक्टर स्टैनले पहुंच गए, और तभी उन्होंने देखा कि आहट से हुई देखा तो टाइगर वहीं लेटा हुआ था। स्टैनले को लगा कि ये टाइगर मरा हुआ है, फिर भी रीअश्योर करने के लिए उन्होंने अपनी छर्रे वाली बंदूक एक बार उस टाइगर के पीछे की तरफ मारी। जैसे ही गोली लगी टाइगर जिंदा हो गया, मतलब जिंदा ही था, बेहोशी या नींद से जाग गया, और इनके ऊपर उसने अटैक कर दिया। अब टाइगर ने जैसे ही अटैक किया तो इनकी बंदूक में एक गोली थी छर्रे वाली, वो इन्होंने सीधे उसके मुंह पे मार दी। उस मुंह पे गोली लगी, लेकिन उसके बावजूद टाइगर छलांग लगा चुका था, सीधे स्टैनले के ऊपर गिरा, और इनके सिर के स्कल के पीछे का एक हिस्सा निकल गया स्टैनले का। अब बच्चा चिल्लाता हुआ भागा, उसकी चिल्लाने से टाइगर के ध्यान स्टैनले से हटके बच्चे की तरफ चला गया, तो टाइगर ने स्टैनले को छोड़ा, बच्चे के पीछे भागा, मतलब बच्चे के चिल्लाने से स्टैनले की जान बच गई। अब जब बच्चे को उसने पकड़ा टाइगर ने, तब तक में स्टैनले खड़े हुए अपने घाव को संभाला, इन्होंने अपने बंदूक से फिर फायर करने को हुए, अचानक से पता नहीं कैसे टाइगर ने बच्चे को छोड़ दिया और जंगल में कूद के भाग गया। बच्चे के शरीर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, उसके 2 दांत जो घुस गए थे उनसे लगातार खून आ रहा था। अब स्टैनले ने अपनी शर्ट बच्चे को बांधी, क्योंकि बच्चे की 3 पसलियां भी टूट गई थी। किसी तरह से उसको बैलगाड़ी पे लाया और बैलगाड़ी से चले सागर के लिए, और वहां से, क्योंकि डॉक्टर की भी हालत खराब थी, तो वहां से गए शिमोगा, जहां एक बड़ा हॉस्पिटल था। अब बाद में मैं यहां रिमाइंड कराना जरूरी समझता हूं कि दोनों ही बच गए, बच्चा और डॉक्टर दोनों, लेकिन स्टैनले की क्लास उनके ऊपर वाले बॉस ने लगा दी, बोले तुम वहां डॉक्टर की हैसियत से भेजे गए हो, शिकारी नहीं, तो अपना वही काम किया करो जो तुम्हें बताया गया है। अब क्योंकि दोनों इसलिए बचे कि टाइगर घायल था, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में 2 दांत ही बॉडी में बन रहे थे, बच्चे को 2 ही घाव थे, 4 नहीं थे। तो एक तो अभी वाला शॉट स्टैनले ने मुंह पे मारा था, तो उसके नीचे के दांत लगता है टूट गए, उसके बाद ही वो स्टैनले के ऊपर आया और उसके बाद ही बच्चे के ऊपर गया। उसके दांत में दर्द था, वो किसी तरह से पागल हो रहा था दर्द की वजह से, इसीलिए वो झुंझलाहट में छोड़ के भाग गया। शायद झुंझलाहट में उसने स्टैनले को छोड़ा था, क्योंकि अगर उसके 4ों दांत काम कर रहे हो तो दोनों जिंदा ना बचे होते। और उसके बाद गांव के आसपास बहुत जोर जोर से दहाड़ने की आवाज आती रही, जिससे गांव वालों को पता था कि घायल शेर यहाँ पे है। कुछ दिन बाद वो आवाज बंद हो गई, या तो वो मर गया या फिर किसी दूसरे जंगल में चला गया, लेकिन उसकी लाश नहीं मिली।
अब स्टेनले ने अपने दूसरे पंगे भी बताए इनको, एंडरसन को। बोले एक बार मैं मचान बना के बैठा था पेड़ के ऊपर टाइगर के इंतजार में, और किंग कोबरा चढ़ के आ गया पेड़ के ऊपर। अब इन्होंने डरा के उस सांप को नीचे उतार दिया, लेकिन रात आ गई थी, इनको डर था कि वो वापस आएगा, तो डर के मारे नीचे उतरे और गांव आ गए। एक बार का किस्सा था, एक मरा हुआ जानवर था, मतलब टाइगर का किल था, उसके पास एक पेड़ पे बैठे थे। टाइगर ने इनको सेंस कर लिया और इतना गुस्सा हो गया कि उनके पेड़ के नीचे ही दहाड़ दहाड़ के चक्कर काटता रहा पूरी रात। इनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उस पर गोली चला दें। अब ये उतरे भी नहीं क्योंकि नीचे टाइगर था जो चैलेंज कर रहा था। जब टाइगर चला गया, सुबह हुई, तब ये नीचे उतरे। अब एक बार का किस्सा बताते हैं, ये खुद एंडरसन की एक बार जंगल में जा रहे थे, गहरे जंगल में, तो अचानक से इनको एक टाइगरस मरी पड़ी मिली थी जिसमें बहुत सारे पॉर्क्यूपाइन के कांटे थे, उसकी आंख भी फूटी हुई थी, और थोड़ी दूर पे एक मरा हुआ पैंथर पड़ा था। टाइगरस को पॉर्क्यूपाइन मिला, उसने अटैक किया, बदले में पॉर्क्यूपाइन ने अटैक किया, और पॉर्क्यूपाइन टारगेट ही करती है आंखों को, पंजों को तो करेगी ही क्योंकि पंजे ही मारते हैं, और जहां जहां वो गड़ जाते हैं फिर निकल नहीं पाते। मैंने अपने कई वीडियो में बताया कि उनमें ऐसे हुक्स बने होते हैं कि वो जहां घुसते हैं वहीं अटक के रह जाते हैं। तो इसकी आंख में भी लग गई चोट और बड़ी घायल थी, दुखी, परेशान रहती थी। इसी दौरान इसको घायल अवस्था में ही इसको मिल गया एक पैंथर, तो इसने उस पर अटैक किया, मार डाला, उसको खाने बैठ गई। खाते खाते ही जो पैंथर ने इसको इंजरी कॉज करी थी पेट में या कहीं पे, उसके चलते इसकी वहीं डेथ हो गई। तो दोनों पास पास में ही पड़े थे। अब जो बेलुंदूर टाउन था उसमें एक बंदर रहता था, उसका नाम था बुधिया। उसको गांव वालों का मानना था कि काला जादू जानता है और चुड़ैल और भूत प्रेतों को वशीकरण कर सकता है, उनको वश में कर सकता है। उसके बारे में कहा जाता था कि ये भूत प्रेत लगा देता है लोगों के ऊपर और उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वो बुधिया इनका बड़ा अच्छा दोस्त था और उसने उनको एक तीन किसी अजीबोगरीब पेड़ के तने दिए थे, तने के टुकड़े। बोले इसको आप हमेशा अपने साथ रखना जब जंगल जाओ, कभी आप जंगल जाओ और आपको कभी शिकार ना मिले, लग रहा है शिकार मिल ही नहीं रहा है, तो अंधेरा होने तक वेट करना, अपने बंदूक के बैरल के चारों तरफ इसको तीन बार घुमाना और इंतजार करना, आप अपने उसी बंदूक से कोई ना कोई जानवर मार के लाओगे। एंडरसन बोलते हैं वो उसका तना आज भी मेरे पास है दिया हुआ, और मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मैंने इसको इस्तेमाल भी किया है। आप इसको लक बोलो चाहे कुछ बोलो, जब जब मैंने इस्तेमाल किया है मुझे जानवर मारने को मिला है। लेकिन अब अफसोस है कि बुधिया जिंदा नहीं है, उसको मलेरिया ने मार डाला, जिस मलेरिया के ऊपर उसका काला जादू और तंत्र मंत्र भी काम नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूँ टाइगर ऑफ गौजा, जो कि 6 माइल की दूरी पर है टगार्थी से, और जो फॉरेस्ट की चौकी है अमली गोला की, उसके आधे रास्ते में ही पड़ता है उसका एरिया, और ये बॉर्डर्स पे है कराडी बेटा टाइगर रिजर्व के, इसका इलाका। अब ये जो कराडी बेटा टाइगर रिजर्व है, ये हिज हाइनेस महाराजा ऑफ मैसूर की प्रॉपर्टी है, और इस टाइगर रिजर्व को उन्होंने अपने शिकार के लिए बनाया है। लेकिन टाइगर भी बड़े शाणे हैं, उनको पता है कि ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए नहीं, हमारे किलिंग के लिए है, तो वो उस बाउंड्री के अंदर रहते ही नहीं थे। जैसे ये टाइगर गौजा उसके बाहर आ गया था, और जो उनकी बाउंड्री थी उसमें उन्होंने जानवरों का आना अलाउ नहीं कर रखा था, तो टाइगर को और तकलीफ थी, क्योंकि एक तो गोली मारते हो, ऊपर से जानवर भी नहीं खाने देते जो ईजी शिकार है। उनके उस एरिया के बाहर बहुत सारे पालतू जानवर थे, तो टाइगर भी उन टाइगर रिजर्व के अंदर नहीं रहते थे, टाइगर रिजर्व के बाहर रहते थे, ताकि उनको गोली भी कम लगे और दूसरी बात पशु भी खाने को मिले। अब 1938 में एक बड़ा टाइगर उस रिजर्व से बाहर निकला और अमली गोला इलाके में उसने पशु मारने शुरू कर दिए। शिकार करके वो टाइगर रिजर्व के अंदर चला जाता था, क्योंकि उसको पता था कि पब्लिक अंदर नहीं आ सकती है, सिर्फ महाराजा साहब ही आते हैं कभी कभी, तो वहां वो सेफ है पब्लिक से। अब ऐसा कर करके वो काफी मोटा और हट्टा कट्टा हो गया और उसका नाम चारों तरफ फैल गया कि ये छोटे जानवर को तो सीधा ही निगल लेता है। अब बोलो ये आदमी के साथ भी होता है और जानवर के साथ भी, जब बहुत ज्यादा सक्सेस मिलती है ना तो वो दिमाग पे चढ़ जाती है और उस आदमी का कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो आदमी हो चाहे शेर हो, और ये बहुत नुकसानदायक होता है। अब ये गौजा वाला जो टाइगर था, ये उस टाइगर रिजर्व से बाहर निकला और आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, इस इलाके में आ गया जहां एक गौजा वाला इलाका था, वहां एक नाला था गहरा, उसमें इसने शरण ली, वहां से निकलता था, जानवरों के हर्ड पे अटैक करता था, वापस लौट जाता था। ऐसा कभी नहीं होता था कि एक या दो जानवर उठा के ना लाए। अब एंडरसन को चिट्ठी लिखी गई कि ऐसे ऐसे टाइगर जानवर मार रहा है, लेकिन ये बोले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि टाइगर का तो काम ही है जानवर मारना, वो जिंदा रहने के लिए जानवर मारेगा, आदमियों का कोई नुकसान नहीं कर रहा है, ये बात मेरे लिए पर्याप्त है, कुछ जानवर मर रहे हैं तो क्या किया जाए, उसके लिए टाइगर नहीं मारा जा सकता। कभी कभी तो इतनी बढ़िया बात बोलते ना कि दिल खुश हो जाता है,
पता नहीं कभी कभी रास्ते में चलते लेपर्ड को क्यों मार देते हैं, भालू को क्यों मार देते हैं। ये वाली बात एकदम परफेक्ट है एक कंजर्वेटर के हिसाब से। अब वो बहुत ज्यादा दुस्साहसी हो गया था, अब वो जानवरों को केवल मारता ही नहीं था, जानवरों को छोड़ के वो जो चरवाहे थे उनके पीछे दौड़ता था और उनको जोर जोर से दहाड़ के सुनाता था। अब एंडरसन को लगा कि आज नहीं तो कल ये आदमी मारेगा और बड़ी जल्दी मैन ईटर बनने वाला है। अब एक दिन सुबह 9:30 बजे बेंगलोर से ट्रेन में बैठे और अधेरी में उतरे, अधेरी से 3.5 मील की दूरी पर चल के ये टगारथी पहुंचे। अब इनके एक पुराने मित्र यहाँ पे मिले, उन्होंने अच्छा खासा स्वागत किया, पहले कॉफी पिलाई जब तक लंच तैयार हो रहा था। इस दौरान ये काफी जानकारी इकट्ठी करते रहे लेकिन और कोई जानकारी नहीं मिली, बस इतना मालूम चला कि टाइगर हर जगह है, यहाँ है, वहाँ है और कहाँ नहीं है। अब इन्होंने लंच किया और उसके बाद में 6 मील दूर गौजा पहुंचे। ये 6 मील इन्होंने कार से कवर किया। अब ये गांव वाले से पूछताछ करते रहे और तब तक इनका टेंट खड़ा किया जा रहा था। ये जगह जहां टाइगर था वहां से करीब 1.5 मील की दूरी पर थी। अब इनको बताया गया कि टाइगर ने 2 दिन पहले किल किया है, तब से कुछ भी नहीं हुआ है, अगले 48 घंटों में उसको भूख लगेगी और वो जरूर किल करेगा। अगले दोपहर को 1 बजे खबर आई कि टाइगर ने एक गाय मार दी है। जब ये वहां पहुंचे तो देखा कि ओपन फील्ड में मैदान में मारी थी और वहां से 300 मीटर दूर था वो झाड़ियों का जंगल जहां टाइगर घुसा होगा या जहां से निकला होगा। अब टाइगर उस गाय को घसीट के हाइड आउट में ले गया था और वो वही नाला था जिसमें 1.5 मील आगे गांव के पास इनका टेंट लगाया गया था। अब टाइगर ने पहले घात लगाई थी, घात लगाने के निशान मिले जहां बैठा था, उसके पेट और उसके पग मार्क और पेट के निशान से मालूम चल जाता है। गाय दौड़ी थी अपने बचाव में, ज्यादा नहीं दौड़ पाई थी, टाइगर ने उसके ऊपर कूद गया था, मारा, उसके बाद उसने पीठ से उठाया। और जब टाइगर किसी को भी पीठ से उठाता है तो ड्रैग मार्क नहीं बनते हैं प्रॉपरली, तो ड्रैग मार्क नहीं बने थे, लेकिन उसके अब जो जुते हुए खेत थे उसमें जो उसके पैर थे ज्यादा धंस रहे थे, क्योंकि जब टाइगर गया था, केवल टाइगर था 200-250-300 किलो का, जब गाय उठा के लाया तो उसके पास 200-250 किलो वजन और था, अब वो 500 किलो का हो गया था, तो पैर ज्यादा गड़ रहे थे। अब ये उन पग मार के पीछे पीछे गए कि टाइगर मिलेगा और इनका मुकाबला होगा, उसको मारेंगे। काफी आगे जाके भी टाइगर इनको दिखा नहीं, इनको उम्मीद थी कि टाइगर जैसे लोगों को ललकार रहा है इनको भी ललकारेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब जंगल के जानवरों को खासतौर पर टाइगर में एक सिक्स सेंस होती है, उसको आम इंसान और एक आदमी जिसके कंधे पे बंदूक है कुछ ना कुछ उसको फर्क नजर आया होगा, तभी तो वो टाइगर है जिसके पास दिमाग का अपार भंडार है। हालांकि उस टाइगर ने इनको देख लिया था क्योंकि उसने अंदर से गुर्राया और फिर चला गया, मतलब वो जानता था कि तुम मेरे इलाके में आ रहे हो लेकिन मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पास ऐसी चीज है कंधे में जो दूसरों के पास नहीं है। अब इन्होंने उसी के पास में एक मचान बनवाया एक पेड़ पे, दोपहर के 4 बजे बैठ गए उसके ऊपर, रात के 8 बजे टाइगर आया और उनके मचान के नीचे ही खड़ा हो गया। ये इनको मालूम चला, वो बहुत ही धीमी धीमी चाल पे चल रहा था, उससे इनको हल्की आवाज से इनको मालूम चल गया वो इतनी सावधानी से आया था, इसके मतलब उसके दिमाग में कुछ खुराफात थी। लेकिन ये भी शिकारी थे, वो जो उसके भारी कदमों की धीमी चाल थी ये उसको सुन सकते थे। अब उसने अपनी खाल को चाटना शुरू किया और उसकी जो खुरदूरी सी जीभ होती है जिसमें बड़े बड़े से कांटे होते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया कि अगर टाइगर के कांटे जैसा हमारा कपड़ा धोने का ब्रश होता था पहले, आप उससे कल्पना कर सकते हो कि अगर वो हाथ में जोर जोर से दबा के आप रगड़ोगे तो जैसा फील होगा वैसा आपको फील होगा टाइगर अगर आपकी स्किन पर जीभ रगड़ेगा, उसमें वैसे ही ब्रश टाइप के बने हुए हैं। वो कहा जाता है कि अगर आदमी पे 2-3 बार उसे 3 बार जोर से रगड़ दिया ना तो ये खाल उधड़ जाएगी, यहाँ से खून आ जाएगा केवल जीभ से चाटने से। तो अपनी स्किन को वो साफ कर रहा था, उसकी स्किन तो काफ़ी मोटी है, बाल भी हैं, लेकिन उससे आवाज़ आ रही थी और उसको एंडरसन सुन पा रहे थे। अब उसने अपने पंजे उठाए और पेड़ से अपने पंजों को साफ करने लगा। अब वो इस पेड़ को अपना ब्यूटी पार्लर समझ के आया था, लेकिन जैसे ही उसने पंजे साफ करने लगे उसकी निगाह उठी ऊपर, वो देखा ये तो भाई साहब बैठे एंडरसन जी, सट्ट से उसने आवाज निकाली, पट्टे से गायब, फिर वो नहीं आया। अब इन्होंने एक बछिया बांधी उस नाले में जहां कहा जाता था कि टाइगर रहता है और पास के ही एक पेड़ के ऊपर मचान बना के बैठ गए जिससे 60 डिग्री का एंगल आ रहा था जहां वो बछिया बंधी थी, मतलब गोली मारने में आसानी थी। ये 3 बजे बैठ गए थे पोजिशन लेके, 5:30 बजे इनको एक आवाज आई कुछ घसीटने की। अब देखा तो टाइगर एक गाय को घसीट के ला रहा है, दूसरे तरफ उसने एक झुंड से मारी थी, करीब 80 गज की दूरी पर था। इन्होंने गले का निशाना लेके गोली मारी लेकिन तब तक में टाइगर आगे बढ़ गया और गोली वहां नहीं लगी जहां लगने पर वो घातक होती। अब टाइगर जोर से दहाड़ा और कूद गए, भाग गया। अब इन्होंने बछिया खोली और वहां से लेके चले गए, गांव आ गए अपनी जगह पर।
इन्होंने सोचा कल ढूंढूंगा और कल मुझे टाइगर पक्का मिल जाएगा, क्योंकि उनको उम्मीद थी ब्लड ट्रेल मिलेंगे। अब सुबह सुबह अपने सीन पे वापस आ गए थे अपनी लोकेशन पे, साथ में दो गांव वाले भी आए थे इनकी मदद करने के लिए। इनको टाइगर के ब्लड ट्रेल मिले, इसको फॉलो करते गए, देखा तो वो दूसरे किनारे पे चला गया था। अब वो टाइगर चलता ही जा रहा था और कहीं बैठने के निशान नहीं मिल रहे थे। ऐसा लग रहा था वो एंडरसन को बोल रहा हो, बड़े बेआबरू होके तेरे नाले से हम निकले। 2 मील तक चलता चला गया गोली लगे होने के बावजूद, तब जाके जब बुरी तरह थक गया तब एक जगह आराम करने के लिए बैठा। अब इनको लग रहा था कि वो टाइगर अमली गोला की तरफ जा रहा है और उसके बाद में उसी टाइगर रिजर्व में जहाँ पे मैसूर के राजा शिकार करते थे ये वहाँ जाना चाहता है, क्योंकि यह वहीं रहता था, निकल के दुस्साहसी होके बाहर निकला था, गोली लग गई, उसको लगा भैया लौट के बुद्धू घर को चलो। इनको पता था कि अगर वो उस रेंज के अंदर पहुंच गया तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि राजा साहब के टाइगर रिजर्व के अंदर बंदूक ले जाना अलाउड नहीं था, भले ही घायल टाइगर क्यों ना हो। और जिस चाल से वो चल रहा था, पूरी रात थी उसके सामने और लग रहा था कि वो पक्का उस टाइगर रिजर्व के अंदर पहुंच जाएगा। अब इनको दो और ऐसी जगह मिली जहां पे उसने आराम किया था। एक जगह ऐसी थी जहां खूब सारा खून पड़ा था और घास मुड़ गई थी उसके वजन की वजह से। एक दूसरी जगह थी जहां बहुत कम खून मिला था और उसके बाद से ट्रेल को फॉलो करना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि खून कम गिर रहा था। अब लग रहा था कि उसकी जो फैट है, उसकी जो मसल्स और उसके स्किन के बीच में, वो फैट ही उस घाव को भर रहा है अपने आप। अब ये लोग अमली गोला पहुंच गए थे और उनको पता था कि अब केवल 1 मील की दूरी है उस टाइगर रिजर्व से, जिसको अगर टाइगर क्रॉस कर गया तो फिर ये नहीं मार पाएंगे। अब एक वाटर स्ट्रीम बीच में आती थी, जब वहां पे उसके पग मार्क मिले तो इन्होंने देख के राहत की सांस ली कि अब उस टाइगर ने अपना दिमाग चेंज कर दिया था। अब वो टाइगर रिजर्व की तरफ नहीं जा रहा था, उस स्ट्रीम में ऊपर की तरफ जा रहा था क्योंकि उसको पानी अच्छा लग रहा था। अब उस स्ट्रीम का जो पहला तालाब आया, जब ये वहां पहुंचे तो देखा टाइगर यहाँ पे आया था, आराम किया था, 1 घंटे पहले ही करीब यहां से गया है, जो निशान थे एकदम ताजे थे। अब इनके अंदर उम्मीद जाग गई थी, ये तेजी से आगे बढ़े। करीब 1 फरलोंग और गए थे तो वहां दूसरा पुल था उस स्ट्रीम में, तालाब सा था, वहां पे भी टाइगर के आराम करने के लेटने के निशान मिले। अब ये बिल्कुल पता था कि टाइगर नजदीक ही है और ये भी संभावना थी कि टाइगर इस पुल पे आराम कर रहा हो और इनके आने की आहट लगी हो तभी वो आगे बढ़ गया हो। अब इन्होंने सोचा कि स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, सिर्फ फॉलो करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जरा सा टाइगर को अंदेशा हुआ और वो जरा सा अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, सेंचुरी नियर बाई है और वो उस बाउंड्री में घुस जाएगा। अब इन्होंने अपने साथ के दोनों आदमियों को पेड़ पे चढ़ा दिया, बोला तुम निगाह रखो ऊपर, और जिस रूट पे जा रहे थे उससे डिटूर होके अपोजिट डायरेक्शन से उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगे, नाले के दूसरी तरफ से। अब इनको उम्मीद थी कि अगर टाइगर के रूट से आगे निकल गए हैं और फ्रंट से आएंगे टाइगर के सामने से और उसको सरप्राइज अटैक करेंगे, लेकिन इनको निराशा ही हाथ लगी क्योंकि नाले के दूसरी तरफ जाते भी टाइगर ने देख लिया था और समझ गया था कि इनके दिमाग में क्या प्लान चल रहा है। अब इनको खून के निशान मिल गए थे घनी झाड़ियों के, वहां पे इन्होंने चारों तरफ चक्कर लगा के देखा तो खून के निशान निकले नहीं थे, तो एक पेड़ के पास खड़े हो गए इंतजार में कि ये इससे बाहर निकलेगा, लेकिन वो बाहर नहीं आया। अब ये सोच रहे थे अगर मैं अपने आदमियों को बुलाऊंगा तो टाइगर अलर्ट हो जाएगा, मैं क्या करूं। तभी टाइगर ने ही सोल्यूशन दे दिया, वो जिस झाड़ियों और घास के अंदर छिपा हुआ था वहां से चलना शुरू हो गया। तो टाइगर नहीं दिख रहा था लेकिन झाड़ियां हिलने से इनको पता चल रहा था कि वो दूसरे डायरेक्शन में जा रहा है। अब इन्होंने पेड़ की ओर छोड़ दी, तेजी से उस तरफ बढ़ने लगे जहां घास हिलती हुई जा रही थी। थोड़े आगे जाके घास पतली हो गई और सामने टाइगर दिख गया। जब इन्होंने टाइगर देखा उसी वक्त टाइगर ने इनको देखा। अब इन्होंने गोली मारी, उसी वक्त टाइगर ने इन पे चार्ज किया, लेकिन 3 गोली के बाद उसकी हिम्मत टूट गई और वो वापस झाड़ियों में घुस गया। अब इन्होंने सीटी बजा के अपने आदमियों को बुलाया, वो पहले ही चल पड़े थे, उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुन ली थी, बड़े बहादुरी से आ रहे थे। अब उन्होंने बोला कि 2 पेड़ पकड़ लो अलग अलग और उस पर चढ़ जाओ, देखो टाइगर दिख रहा है क्या। वो चढ़े लेकिन उन्होंने कहा मुझे कोई टाइगर नहीं दिख रहा है। अब ये बोले कि स्ट्रीम पे चल के देखते हैं, हालांकि बोल रहे सिद्धांत यह है कि अगर घायल टाइगर हो कभी भी आप स्ट्रीम पे मत चलो, क्योंकि वो दोनों तरफ से नालों के जो सिरे होते हैं कहीं से भी आप पे कूद सकता है। लेकिन बोले मैंने ऐसे किया तो मैं पूरे दिन से परेशान था और मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता कि घायल अवस्था में भी ये टाइगर रिजर्व के अंदर घुस जाए, वहां जाके मरे तो मुझे मिलेगा नहीं। अब इन्होंने अपने दोनों आदमियों को बुलाया नाले में जाके, पहले नाले में ढूंढा कुछ नहीं मिला, अपनी शर्ट उतारी, उसमें जितने नाले के छोटे 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 बड़े पत्थर थे रख लिया, ऊपर आए उस जगह पे गए जहां इन्होंने टाइगर को 3 गोलियां मारी थी, वहां से पत्थर उन्होंने झाड़ी में फेंकने शुरू किए, तब एक गुर्राने की आवाज सुनाई दी। इससे इनको पता चल गया कि टाइगर गंभीर रूप से घायल है, वो चल नहीं सकता है। जैसे ही एक पत्थर मारते हैं उसका जवाब वो एक गुर्राहट से देता था।
अब अपने आदमियों से ने बोला तुम लोग लगातार रेगुलर इंटरवल से पत्थर फेंकते रहो, ये दूसरे साइड से उल्टी साइड से अंदर झाड़ियों में घुसने लगे। अब इनको टाइगर की ग्रोल भी सुनाई दे रही थी, बीच बीच में जो पत्थर गिर रहे थे वो आवाज भी सुनाई दे रही थी। अब ये आगे बढ़ते जा रहे थे, टाइगर का टेंशन तो पत्थरों की तरफ था, लेकिन जब काफी नजदीक पहुंच गए तो टाइगर ने इनको सेंस कर लिया और उसने गुर्राना बंद कर दिया। इनके आदमियों को भी लग गया कि वो समझ गया है, तो उन्होंने दुगनी ताकत से पत्थर फेंकने शुरू किए, फिर भी वो टाइगर गुर्रा नहीं रहा था। अब ये बड़े परेशान हो गए कि टाइगर पास में ही है, वो आवाज नहीं दे रहा है, पत्थरों के गिरने की आवाज आ रही है, किसी भी वक्त मेरे ऊपर कूद सकता है। ये पूरे अलर्ट थे, हर खड़खड़ाहट को ध्यान दे रहे थे, बड़े अलर्ट रह के चल रहे थे। तब इनका ध्यान गया कि दो झाड़ी के बगल में ही टाइगर बैठा है, इनके ऊपर कूदने की तैयारी में है। जैसे ही वो कूदता इन्होंने शॉट मार दिए। अब इन्होंने दो शॉट मारे उसके चेहरे पे और ये साइड में हो गए, वो इनके बगल में आके गिरा। इन्होंने एक शॉट बिल्कुल उससे सटा के उसके हार्ट में मार दिया। इस तरह से मैन ईटर टाइगर ऑफ गौजा समाप्त हुआ। वो उस सेफ टाइगर रिजर्व में नहीं पहुंच पाया जहां वो जाने की कोशिश कर रहा था। और इसी के साथ दोस्तों ये बुक हमारी खत्म हुई, केनेथ एंडरसन की बुक द नाइन मैन ईटर्स एंड वन रोग। ये आपको मिलेगी मेरे रिजॉर्ट में, जंगली रिजॉर्ट की लाइब्रेरी में। इन बुक्स के साथ एक बुक ऑलरेडी रखी हुई है वहां पे, इनमें आपके रुद्रप्रयाग मैन ईटर वाली, ये तीन बुक्स कंप्लीटेड हैं, ये वहां पहुंच जाएंगी। और कल से शुरू होगी हमारी सावो मैन ईटर की, पैटरसन की बुक। तो चलिए दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।